हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धनेश्वर कुमार विश्वकर्मा। टुडे वी विल डिस्कस एक्सट्रैक्शन एंड ग्लैनिकल्स। क्या एक्सट्रैक्शंस क्या होते हैं और क्या होता है ग्लैनिकल्स, कितने तरह के एक्सट्रैक्शंस होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट विथ एक्सट्रैक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं डिफिनेशन लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स और एनिमल टिश्यू फ्रॉम द इनएक्टिव कंपोनेंट बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट, सेलेक्टिव सॉल्वेंट। यानी एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है सेपरेशन, सेपरेट करना एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को, या प्लांट टिश्यू से हो या एनिमल टिश्यू से है, हम इसमें से जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग सेलेक्टिव सॉल्वेंट। यानी ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसमें वो पर्टिकुलर एक्टिव इंग्रेडिएंट ही डिजॉल्व हो, रेस्ट ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स न डिजॉल्व हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्शन। इट इज ऑल्सो लीचिंग सेम एज एक्सट्रैक्शन, यानी लीचिंग को भी हम लोग एक्सट्रैक्शन की तरह ही कंसिडर करते हैं। और लीचिंग जो हम लोगों को, जब हम लोग पैकेजिंग मटेरियल पढ़ेंगे ग्लास और प्लास्टिक, वहां पे हम लोग को लीचिंग मिलेगा, तो लीचिंग इज ऑल्सो सिमिलर लाइक एक्सट्रैक्शन। बात करेंगे ग्लैनिकल्स की, तो ग्लैनिकल्स वर्ड जो डिराइव हुआ वह गैलन, एक साइंटिस्ट थे जो ग्रीक फार्मासिस्ट थे रोम के, इन्होंने डिस्क्राइब किया था वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग क्रूड ड्रग फर्स्ट टाइम। पहली बार इन्होंने एक्सट्रैक्शन को एक तरह से रिफॉर्म किया था, एक तरह से इसको बताया था इसके बारे में, एक्सट्रैक्टिंग द क्रूड ड्रग मेथड्स इसके बताए थे। इसलिए कहा जाता ब्रांच डीलिंग विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल ड्रग इज नोन एज ग्लैनिकल फार्मेसी, इसको कहा जाता है, एंड प्रोडक्ट्स को हम लोग कहते हैं ग्लैनिकल्स। तो ग्लैनिकल्स और एक्सट्रैक्शन मोर और लेस सिमिलर्स हैं। और बात की गई एनिमल और प्लांट, तो दो सोर्स है एक्सट्रैक्शन के लिए, एक तो प्लांट सोर्स है और दूसरा एनिमल सोर्स है। प्लांट सोर्स में देखिए इमेटिन फ्रॉम इपिका रूट जो कि वोमिटिंग के लिए यूज किया जाता है, रेसरपिन फ्रॉम रॉल्फिया सर्पेंटाइना से मिलता है, और एट्रोपिन जो कि बेलोडोना लीफ से मिलता है। एनिमल सोर्स में कॉकनियल है फ्रॉम इंसेक्ट कोकस कैक्टी, और ये कॉकनियल क्या है, कलरिंग एजेंट है जो कि रेड कलर का होता है, तो ये हमें एनिमल सोर्स से एक्सट्रैक्शन के थ्रू मिलता है। अब बात करेंगे जनरल प्रोसीजर की, क्या जनरल प्रोसीजर है एक्सट्रैक्शन का। तो जनरल प्रोसीजर अगर आप देखें तो लिखा गया क्रूड ड्रग जिसमें लीफ भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे सॉल्वेंट, और जो सॉल्वेंट ऐड करते हैं, जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस परसू करेगा, इस सॉल्वेंट को कहा जाता है मेंस्ट्रम, एन एक्टिव इंग्रेडिएंट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। अब सेकेंड स्टेप होगा कि एक्टिव इंग्रेडिएंट डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट में, जिसको हम लोग कहेंगे सॉल्युबिलिटी, यानी जो सॉल्वेंट आपने यूज किया वो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो उसमें डिजॉल्व हो। एक्टिव इंग्रेडिएंट विल कम आउट इन द सॉल्वेंट। अब डिजॉल्व होने के बाद जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो टिश्यू से, सेल से बाहर आएगा, इस सिस्टम को कहते हैं डिफ्यूजन। हम सब लोग पढ़े हैं कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, यानी अगर सेल की बात करें तो सेल में ड्रग का कंटेंट ज्यादा है, यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट का कंटेंट ज्यादा है, और आउटसाइड सॉल्वेंट में आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट कम है, तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तक मूवमेंट होगा टिल इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम अचेन ना हो जाए। और जैसे ही सॉल्वेंट में आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट आ जाता है, फिर हम इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के लिए हम फिल्टर मीडिया यूज कर सकते हैं, चाहे वो सीव हो चाहे वो मसलिन क्लॉथ हो। और फिल्टर करने के बाद ऑब्वियसली आपको पता है कि दो चीजें मिलेंगी, एक लिक्विड मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रैक्ट, फिल्ट्रेट जिसको हम लोग कहते हैं, और एक रेसिड्यू मिलेगा जो कि डैम्प लीफ होगा, अगर लीफ अगर लिया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं मार्क, यानी जो रेसिड्यू बचा फिल्टर फिल्टर मीडिया के ऊपर उसको हम लोग मार्क कहेंगे। और मार्क कैन बी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है प्रेस करना, प्रेस करने से गेट रेसिड्यूअल लिक्विड, यानी जो आपने टिश्यू या सेल लिया है उसमें जो ड्रग एब्जॉर्ब है, जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वो चीजें हमारी उस सेल से एक्सक्यूज आउट हो जाएंगी और हमें सेक्शन मिलेगा। इसके लिए हम लोग टिंचर प्रेस का यूज करते हैं, टिंचर प्रेस हम लोग लेते हैं और टिंचर प्रेस से हम लोग जो मार्क होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर आप देखें तो तीन स्टेप इसमें यूज हो गए, एक तो पेनिट्रेशन यूज हुआ, दूसरा सॉल्युबिलिटी की बात की गई, और तीसरा डिफ्यूजन की बात की गई। यानी अगर हमारे पास कोई सेल है, अगर ये सेल है, इसके अगर कोई एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, और अगर ये किसी भी सॉल्वेंट में हमने डिप किया है, इस तरह से अगर कोई सॉल्वेंट है, तो पहले सॉल्वेंट पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेट करने के बाद ये सिस्टम इसमें डिजॉल्व होगा, और डिजॉल्व होने के बाद ये सिस्टम में आ जाएगा। यानी ये कहते हैं पेनिट्रेशन, सॉल्युबिलिटी एंड डिफ्यूजन, तीन
स्टेज हैं एक्सट्रैक्शन में, यानी सॉल्वेंट पहले पेनिट्रेट करेगा इनसाइड द सेल, यानी ये सेल के अंदर पेनिट्रेशन हुआ जो फर्स्ट प्रोसेस, और उसके बाद ये ड्रग को डिसॉल्व करता है सॉल्वेंट सिस्टम में, और डिसॉल्व करने के बाद ये इसको वहां से डिफ्यूज करके आउट ले आता है सेल के बाहर। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखा जाए, बेलोडोना का एक्सट्रैक्ट हमको निकालना है और बेलोडोना लीप से हमको मिलता है जिस प्लांट का नाम है एट्रोपा बेलाडोना, जिसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है एट्रोपिन। बिसाइड द एट्रोपिन स्टार्च लिग्निंग पिगमेंट आर आल्सो प्रेजेंट, यानी पहले बताया गया कि हर एक ही केमिकल कंस्टिट्यूएंट किसी प्लांट्स में नहीं होते हैं, बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए एट्रोपिन, तो हम एक ऐसा सॉल्वेंट यूज करेंगे जिसमें एट्रोपिन सॉल्युबलाइज हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सट्रैक्शन में सेलेक्टिव सॉल्वेंट यूज करना, ऐसा नहीं कि कोई भी सॉल्वेंट लें, ऐसा सॉल्वेंट चूज करें जिसमें हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट ही डिसॉल्व हो, बाकी रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट डिसॉल्व ना हो। तो जैसे यहाँ एट्रोपा बेलाडोना का लीफ लिया गया है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, प्लांट वेस्ट रॉ मटेरियल इसको कहेंगे, और ये जो रेड रेड स्पॉट्स दिख रहा है आपको, ये मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट मीन्स एट्रोपिन है, ये एट्रोपिन है, और ये फ्लूइड है यानी सेलेक्टिव सॉल्वेंट जो एट्रोपिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे, कंटेनर में रखेंगे, और रखने के बाद सॉलिड लिक्विड सेपरेशन होगा, यानी पेनिट्रेशन होगा, सॉल्वेंट लीफ के अंदर जाएगा और फिर वहां के एट्रोपिन को डिसॉल्व करके उस एट्रोपिन को सेल के बाहर लेके आएगा, जैसा कि आप यहाँ पॉइंट्स के फॉर्म में देख रहे हैं। अब इसके बाद उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद आप देखें आपको मार्क मिलेगा जो सॉलिड रेसिड्यू होगा फिल्टर मीडिया के ऊपर, और ये स्ट्रैक मिला जिसको आपको ये आपको हमको एट्रोपिन मिला। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल था बेलाडोना का जिसमें हम लोग एक्सट्रैक्शंस को परफॉर्म किए हैं। अब कुछ वर्ड्स हैं, अगर हम देखें क्या क्या वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो सबसे पहला वर्ड है मेंस्ट्रम, सॉल्वेंट यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन, यानी जो एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उसको हम लोग मेंस्ट्रम कहेंगे, जिसमें वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, हाइड्रो अल्कोहलिक सिस्टम भी होता हो सकता है, और ईथर भी हो सकता है। मार्क, जो सॉलिड रेसिड्यू बचा हम लोगों का फिल्ट्रेशन के बाद, यानी इनर्ट है, फाइब्रस है, और इनसॉल्युबल मटेरियल रिमेनिंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन, ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे मार्क। एक्सट्रैक्ट क्या है, एक्सट्रैक्ट को हम लोग फिल्ट्रेट भी कहते हैं, जो आपने लिखा है एक्सट्रैक्ट मीन्स फिल्ट्रेट, यानी हमारा जो प्रिपरेशन है जो हमें चाहिए प्रिपरेशन उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्ट। अगर वो एक्सट्रैक्ट लिक्विड है तो उसको हम लोग कहेंगे टिंक्चर, अगर वो सेमी सॉलिड है तो उसको कहेंगे सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट, अगर वो सॉलिड है तो उसको कहेंगे ड्राई एक्सट्रैक्ट। यानी एक्सट्रैक्ट भी हमारे तीन तरह के हो गए, एक लिक्विड एक्सट्रैक्ट, दूसरा सेमी सॉलिड एक्सट्रैक्ट, और तीसरा सॉलिड एक्सट्रैक्ट। अब देखिए दो ड्रग भी हमारी दो तरह की होती है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज ड्रग कहा जाता है डू नॉट हैव स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर, यानी कोई स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर जिसका नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जैसे ओलियोरेजिन और गम रेजिन। और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे हैविंग स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर, ऐसा सेल, ऐसा ड्रग जिसका स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड हो, यानी पर्टिकुलर शेप डिजाइन का हो, जैसे रूट का स्ट्रक्चर होता है, स्टेम का स्ट्रक्चर होता है, लीफ का स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ड्रग को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनाइज ड्रग, और जिसका कोई भी डिफाइंड शेप ना हो, स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर ना हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे अनऑर्गेनाइज ड्रग। अब देखिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, तो ये सारे हमारे कन्वेंशनल हैं, नॉवेल की बात नहीं करेंगे, सारे कन्वेंशनल प्रोसेस हैं, और इस कन्वेंशनल प्रोसेस में इन्फ्यूजन है, डिकॉक्शन है, मैसरेशन है, परकोलेशन है, और डाइजेशन है। और अगर इन्फ्यूजन में देखिए तो दो तरह के इन्फ्यूजन आपको मिलेगा, फ्रेश इन्फ्यूजन आपको मिलेगा और कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन। मैसरेशन की बात करिए तो मल्टीपल मैसरेशन है, मैसरेशन विद एडजस्टमेंट है, और सिंपल मैसरेशन है। और मल्टीपल मैसरेशन में डबल मैसरेशन और ट्रिपल मैसरेशन, दो तरह के मैसरेशन होते हैं। परकोलेशन देखिए तीन तरह का होता है, आपका देखिए सिंपल परकोलेशन है, कंटिन्यूस परकोलेशन जिसमें हम लोग सॉक्सलेट यूज करते हैं इसलिए इसको सॉक्सलेशन भी कहा गया है, और परकोलेशन प्रोसेस फॉर कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन के लिए हम लोग बनाते हैं जिसको हम लोग रिजर्व परकोलेशन और मॉडिफाइड परकोलेशन कहते हैं। तो ये कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन के कुछ प्रोसेस हैं। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे मैसरेशन के बारे में। तो मैसरेशन क्या है, एक सिंपल एक्सट्रैक्शन मेथड, यानी एक्सट्रैक्शन का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है मैसरेशन, जिसमें हम लोग ड्रग को मैसरेट करते हैं ड्रग को, और इसमें जो मेथड इन्वॉल्व किया जाता है जैसे एक प्रीवियस मैंने स्लाइड्स में आप लोगों को बताया, सेम प्रोसेस यहां पे भी यूज करेंगे कि सॉलिड इंग्रेडिएंट लेंगे यानी क्रूड ड्रग हम लोग लेंगे,
जिसका हम लोग को एक्सट्रैक्शन करना है, और इसको प्लेस्ड करेंगे स्टॉपर्ड कोनिक कंटेनर में, यानी ऐसा कंटेनर लेंगे जो कवर्ड हो। कवर्ड इसलिए लिया जाता है कि सॉल्वेंट का इवेपोरेशन ना हो, जिसमें सॉल्वेंट भी होगा। अब इसको यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केप्ट एटलीस्ट 3 डेज, यानी मिनिमम 3 डेज हमें रखना है, लेकिन ये डेज वेरी कर सकता है 3 to 7 डेज एज पर स्पेसिफिकेशन। फ्रीक्वेंट एजिटेशन भी करना है, अगर 3 डेज के लिए रहेंगे तो बीच बीच में हमको उसको एजिटेशन भी करना है। अब जो हमारा स्पेसिफाइड पीरियड, जब टाइम हमारा बीत गया 3 दिन का या 4 दिन का जो भी स्पेसिफाइड पीरियड है, उसके बाद मिक्सचर को स्ट्रेन करेंगे आप, यानी फिल्टर करेंगे, चाहे सीप से करें चाहे नेट से करें। फिल्टर करने के बाद फिर 2 चीजें मिलेंगी, एक तो फिल्ट्रेट मिलेगा, दूसरा मार्क मिलेगा, जो वहां पर मैंने आपको बताया रेसिड्यू। अब ये जो मार्क है इसको प्रेस करेंगे तो रेसिड्यूअल लिक्विड मिलेगा टिंचर प्रेस यूज करके, और फिल्ट्रेट और रेसिड्यूअल लिक्विड को हम लोग कंबाइन कर लेंगे तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अब स्टेज वहां की तरफ फिर यहीं पे बताएंगे कि सबसे पहला काम पेनिट्रेशन है, सॉल्वेंट इनटू ड्रग, यानी जो सॉल्वेंट है ड्रग के अंदर पेनिट्रेट करेगा, फिर डिजॉल्व द एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी सॉल्वेंट में हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट डिजॉल्व होगा, और ट्रांसफर ड्रग आउट फ्रॉम सेल इनटू द सॉल्वेंट, यानी 3 स्टेप आप लोगों को याद रखना है। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, जो मैंने अभी आपको आगे बताया था प्रीवियस सिस्टम में, ये डिफ्यूजन है, यानी पेनिट्रेशन और सॉलिबिलिटी एंड डिफ्यूजन। यानी अगर आप देखें तो एक्सट्रैक्शन की इफिशियंसी कहीं ना कहीं सॉलिबिलिटी पर डिपेंड करती है, कि जितना ड्रग जितना ज्यादा सॉलिबिलाइज होगा आपके सॉल्वेंट में, एक्सट्रैक्शन रेट उतना ही आपको ज्यादा मिलेगा। एजिटेशन मैंने कहा फ्रीक्वेंट एजिटेशन क्यों किया जाता है, रिड्यूस लोकलाइज कंसंट्रेशन अराउंड द सेल एंड टिश्यू, यानी लोकलाइज कंसंट्रेशन ना हो कि यानी जो ड्रग है पूरे सिस्टम में सॉलिबलाइज हो जाए, ऐसा ना हो कि सेल के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाए, तो वहां पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं डेवलप होगा, और जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा तो फिर आपके केमिकल का ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसलिए सेचुरेशन ना अचीव हो, लोकलाइज्ड केमिकल का ना हो, इसके लिए हम लोग एजिटेशन प्रोवाइड करते हैं। स्टॉपर्ड कंटेनर इसलिए यूज किया जाता है लॉस ऑफ सॉल्वेंट बाय द इवेपोरेशन, यानी चूंकि सॉल्वेंट जो यूज किया जा रहा है उसका इवेपोरेशन के थ्रू लॉस ना हो, यानी हमारा वॉल्यूम हमारा कम ना हो, जो वॉल्यूम हमको चाहिए वो मिले। और हम देखें मैसरेशन में जो मेंस्ट्रम यूज करेंगे वो एल्कोहल यूज कर सकते हैं, प्लेन हाइड्रो एल्कोहलिक मीन्स एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर यूज करेंगे, जो जनरली हम लोग टिंचर के लिए यूज करते हैं, और हम लोग वाटर भी यूज कर सकते हैं मैसरेशन के लिए। अब कुछ अगर प्रॉपर्टी देखें मैसरेशन का, तो सबसे बड़ा लॉन्गर एक्सट्रैक्शन टाइम और लोअर एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, अगर इसकी बात करें तो ये डिसएडवांटेज है आपके मैसरेशन का, कि एक तो लॉन्गर एक्सट्रैक्शन टाइम है, 3 दिन मिनिमम आपको रखना है, 7 डेज तक रखना है तब आपको एक्सट्रैक्शन मिलेगा, और लोअर एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी है, क्योंकि फिर एडिशनल हम लोग कोई टेक्निक नहीं यूज करते हैं जिससे हम लोग सॉलिबिलिटी को इन्हांस कर पाए। और जो इसका एडवांटेज है, सो सबसे बड़ा ये आपका एडवांटेज है कि ये थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए यूज कर सकते हैं, और थर्मोलेबाइल सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं हीट सेंसिटिव मटेरियल, यानी ऐसा मटेरियल जो हीट की प्रेजेंस में खराब हो, इसको हम लोग कहते हैं हीट सेंसिटिव मटेरियल। द प्रोसेस इज नॉर्मली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टिंचर एंड एक्सट्रैक्ट, यानी टिंचर और एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। टाइप्स देखा जाए कितने तरह के हमारे मैसरेशन होते हैं, तो सिंपल मैसरेशन, अगेन ऑर्गेनाइज ड्रग जिसके स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर्स होंगे, चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, मैसरेशन विथ एडजस्टमेंट, यानी अनऑर्गेनाइज ड्रग के लिए यूज करेंगे जिसमें रेजिन और गम्स आ रहे थे आपके, मल्टीपल एक्सप्रेशन करेंगे यानी कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसमें डबल और ट्रिपल मैसरेशन यूज करेंगे, यानी इसमें 2 तरह की बात में मैसरेशन पढ़ेंगे, डबल और ट्रिपल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल मैसरेशन की, अगेन ये बात आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइज ड्रग के लिए, सॉरी ये ऑर्गेनाइज ड्रग के लिए है, और ऑर्गेनाइज ड्रग क्या होती है आपको मैं बता चुका हूं, कि जिनका स्ट्रक्चर डिफाइन हो, सेल का स्ट्रक्चर जिनका डिफाइन हो उनको हम लोग ऑर्गेनाइज ड्रग कहते हैं। अगेन यहाँ पे मैंने लिखा हैविंग स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर, रूट स्टेम लीव्स एंड फ्लावर को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनाइज ड्रग। अगेन जो कंटेनर हम लोग लेंगे वो क्लोज्ड होगा, अगेन क्लोज कंटेनर का मतलब ही होता है जो प्रिवेंट करेगा इवेपोरेशन ऑफ द मेंस्ट्रम, यानी हमने जो सॉल्वेंट या मेंस्ट्रम लिया है उसका इवेपोरेशन ना हो। वाटर और एल्कोहल हम लोग एज ए मेंस्ट्रम यूज कर सकते हैं, वाटर एल्कोहल का मिक्सचर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ड्रग और मेंस्ट्रम का रेशियो 1:10, यानी 1 पार्ट ड्रग तो 10 पार्ट हमारा मेंस्ट्रम। अब हम मेथड देखें तो क्रूड ड्रग, जो भी हमने ड्रग लिया, जो भी हमारे पास एक्सट्रैक्शन के लिए ड्रग है यूज करेंगे।
ऐड करेंगे सॉल्वेंट केप्ट फॉर 7 डेज, ये 7 डेज स्पेसिफाइड जो भी आपको स्पेसिफिकेशन मिलेगा उतने डेज के लिए आपको केप्ट रखना भी, तो ऑकेजनली सेकिंग, आगे आपको बताया भी था सेकिंग किस लिए किया जाता है, ताकि लोकलाइज ना हो केमिकल्स का, और उसके बाद एक स्टेटेड पीरियड के बाद हम लोग इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद यहाँ पे हमको मार्क मिला और यहाँ पे फिल्ट्रेट मिला, मार्क को फिर एक्सप्रेस करेंगे यानी इसको प्रेस करेंगे, जैसे प्रेस करेंगे हमको रेसिडुअल लिक्विड मिलेगा और दोनों लिक्विड को हम फिर यहाँ पे कंबाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट। ये सिंपल मैसरेशन प्रोसेस है, ठीक। तो एक्सप्रेस लिक्विड जो है हमारा, जो यहाँ पे एक्सप्रेस लिक्विड, उसको मिक्स करेंगे स्ट्रेन लिक्विड के साथ, यानी फिल्ट्रेट के साथ हम इसको मिक्स कर देंगे, ये सबसे लास्ट प्रोसेस हमारा। फाइनल वॉल्यूम इज नॉट एडजस्टेड, हम लोग उसको एडजस्ट नहीं करते हैं, जो आपको जितना अमाउंट मिलेगा वही हमारा सफिशियंट है। एग्जाम्पल ऑरेंज टिंक्चर हम लोग इसी से बनाते हैं, और लेमन टिक्चर बनाते हैं जो कि जनरली आप सबको पता है फ्लेवरिंग एजेंट्स के लिए यूज किया जाता है। सेकिंग रिप्लेस द सेचुरेटेड लेयर अराउंड द ड्रग विथ फ्रेश मेंस्ट्रम, यानी लोकलाइजेशन आपका केमिकल्स का नहीं होगा। अब हम बात करेंगे मैसुरेशन विथ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन्स हम इसमें सॉल्वेंट को एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट करने का मतलब है यहाँ पे सॉल्वेंट को दो सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो हम लोग इसको यूज करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए, मीन्स ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, और अगेन फिर क्लोज कंटेनर यूज किया जाएगा। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग लेंगे और हम इसमें मिनिस्ट्रम को दो पार्ट में बांटे हम लोग, एक 4/5 जो कि आप ये लिखा है 4/5 मिनिस्ट्रम क्लोज वेसल्स में रखेंगे, 2 to 7 डेज जो भी हम लोग को स्पेसिफाइड आपको टाइम मिला गया है उस सिस्टम में, इसको हम लोग इसको 2 to 7 डेज ऑकेजनली सेकिंग करेंगे, और आफ्टर स्टेटेड पीरियड इसको फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद जो 1/5 आपको मिनिस्ट्रम बचा हुआ था यहाँ पे वॉल्यूम मेकअप करेंगे। सिंपल मैसुरेशन में वॉल्यूम मेकअप नहीं किया गया, यानी यहाँ पे 4/5 और लास्ट में जो रिमेनिंग बचा 1/5 दोनों को मिक्स कर देंगे, जिससे हमारा वॉल्यूम मेकअप हो जाएगा। मार्क को यहाँ प्रेस नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मैटर है वो गमी मैटर है और टिंचर प्रेस में वो चिपक जाएगा, एडहेर हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको प्रेस नहीं करते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है मैसुरेशन विथ एडजस्टमेंट में, जब भी आप अनऑर्गेनाइज ड्रग यूज करें तो हम लोग टिंचर को प्रेस नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज ड्रग यूज करेंगे तभी हम लोग टिंचर को यूज करेंगे। एग्जाम्पल है इसका टिंचर ऑफ तोलू और कंपाउंड टिंचर ऑफ बेंजोइन। अब बात करेंगे मल्टीपल मैसुरेशन की। मल्टीपल मैसुरेशन ये एकदम सिंपल मैसुरेशन प्रोसेस की तरह है, लेकिन हम यहाँ पे डिवाइडेड मेंस्ट्रम यूज करते हैं, यानी यहाँ पे अगेन हम लोग मेंस्ट्रम को डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ मेंस्ट्रम को हम इक्वली डिवाइड करते हैं, और यदि हम मेंस्ट्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे डबल मैसुरेशन, और अगर मेंस्ट्रम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे ट्रिपल मैसुरेशन। अब बात करेंगे ड्रग इज मैसुरेटेड, डबल मैसुरेशन की बात करेंगे, सॉरी डबल मैसुरेशन क्या है। डबल मैसुरेशन में अगर आप देखें तो ड्रग इज मैसुरेटेड ट्वाइस बाय यूजिंग मेंस्ट्रम, यानी हम लोग मेंस्ट्रम को 2 बार यूज करेंगे, और मेंस्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में मेंस्ट्रम को डिवाइड करेंगे, जिसका कैलकुलेशन अगर आप देखें सिंपल कैलकुलेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रम इक्वल टू वॉल्यूम 1 + वॉल्यूम 2, और अगर यहाँ पे फॉर्मूला देखें वॉल्यूम 1 को कैलकुलेट करने के लिए तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रम माइनस वॉल्यूम 2 रिटेन बाय द मार्क एंड प्लस वॉल्यूम 2 रिटेन बाय द मार्क, यानी जितना वॉल्यूम मार्क ने रिटेन किया उतना माइनस किया और उतना ही प्लस कर दिए, तो जो हमारा टोटल वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, और जो हमारे वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 पार्ट्स में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बात करेंगे मेथड, क्या मेथड्स है यहाँ पे। तो मेथड अगर आप देखें तो मेथड है क्रूड ड्रग वॉल्यूम, क्रूड ड्रग और इसमें वॉल्यूम फर्स्ट जो 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया वॉल्यूम फर्स्ट लेंगे और मैसरेट करेंगे 48 आवर्स के लिए, और 48 आवर्स के बाद लिक्विड को फिर सिंटर्ड स्ट्रेन भी करेंगे और मार्क को प्रेस करेंगे जैसे वहां पे किया। अब यहां पे हमको मिलेगा एक्सट्रैक्ट 1, और एक्सट्रैक्ट 1 के बाद जो मार्क मिला अब वो मार्क फिर यहां पे यूज करेंगे, और उस मार्क में वॉल्यूम 2 जो हमारा रिमेनिंग बचा हुआ था उस वॉल्यूम को अब हम लोग यूज करेंगे, और वॉल्यूम यूज करने के बाद हम लोग इसको फिर अगेन मैसरेट करेंगे 24 आवर्स के लिए। तो 24 आवर्स के लिए मैसरेट करने के बाद लिक्विड इज स्ट्रेन एंड मार्क इज प्रेस्ड, यानी लिक्विड को फिर स्ट्रेन करेंगे और मार्क को प्रेस करेंगे, तो यानी 2 स्ट्रैक्ट मिला हमको, स्ट्रैक्ट 1 और स्ट्रैक्ट 2, फिर अगेन स्ट्रैक्ट 1 और स्ट्रैक्ट 2 को हम लोग क्या करेंगे कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद फिर 14 डेज के लिए रख देंगे, इसलिए इसको कहा गया टाइम टेकन प्रोसेस है, बहुत लॉन्गर टाइम लेता है, फिर इसको फिल्टर करेंगे
तो अब हमको जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा इसका एग्जांपल है कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑरेंज, चिराता का कंसंट्रेटेड कंपाउंड इन्फ्यूजन, कंसंट्रेटेड कंपाउंड इन्फ्यूजन ऑफ जेंटियन। इसी तरह से हम लोग फिर अगेन जाएंगे ट्रिपल मैसरेशन की तरफ। ट्रिपल मैसरेशन यानी अब हम यहाँ पे अपने इस सिस्टम को दो बार में डिवाइड करेंगे, यानी सॉरी थ्राइस, यानी हम अपने मेंस्ट्रम को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर आप देखें हम अपने मेंस्ट्रम को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इन अ सच अ मैनर दैट द सेम वैल्यू फॉर द थ्री पार्ट्स यूज्ड, यानी हम अपने मेंस्ट्रम को डबल मैसुरेशन में दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहां पे हम मैसुरेशन यानी सॉरी मेंस्ट्रम को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू एंड वॉल्यूम थ्री, तीन वॉल्यूम में हमने डिवाइड किया। वॉल्यूम वन को कैलकुलेट करने के लिए टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम टू रिटेन बाय द मार्क प्लस वॉल्यूम टू बी रिटेन बाय द मार्क। अगेन है जितना वॉल्यूम मार्क रिटेन करेगा उतना ही वॉल्यूम माइनस भी करेंगे और प्लस करेंगे, जिससे हमारा टोटल वॉल्यूम उतना ही रहे और डिवाइडेड बाय थ्री। वॉल्यूम टू और वॉल्यूम थ्री का कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम वन माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय टू। तो हमने पूरे मेंस्ट्रम को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब इसका मेथड देखें कैसे इसको यूज करते हैं। तो अगर आप देखें सबसे पहले होल ड्रग लिया जाएगा, उसमें वॉल्यूम वन डालेंगे, फिर इसको मैसरेट करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, फिल्टर करेंगे, तो हमें स्ट्रैक मिलेगा वन। और यहाँ पे जो मार्क मिलेगा हमको उस मार्क को अगेन फिर यहाँ पे यूज किया जाएगा, यानी स्ट्रैक्शन वन से जो मार्क मिला वो यहाँ पे यूज करेंगे और वॉल्यूम टू अब यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर अगेन मैसरेट करेंगे वन आवर्स के लिए, फिर इसको स्ट्रेन करेंगे यानी फिल्टर करेंगे और फिर हमको मिलेगा स्ट्रैक टू। और यहाँ पे जो फिर हमको मार्क मिला वो मार्क अगेन फिर थर्ड बार इसको यूज करेंगे, तीसरी बार वॉल्यूम थर्ड के साथ, फिर इसको मैसरेट करेंगे वन आवर्स के लिए, फिर स्ट्रेन करेंगे, फिर सेक्शन मिलेगा थर्ड। अब यहां पे स्ट्रैक टू और स्ट्रैक थर्ड, फर्स्ट को नहीं, टू और थर्ड को इवेपोरेट करेंगे स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के लिए, स्पेसिफाइड जो कंसंट्रेशन हमको डिजायर था, क्योंकि जितनी बार बार हम लोग सेक्शन प्रोसेस करते जाते हैं उसमें केमिकल कंसंट्रेंट कम होते जाते हैं। अब एवब कंसंट्रेशन लिक्विड इज मिक्स विद स्ट्रैक वन, यानी पूरे दोनों का जो कंसंट्रेटेड आपने एक्सट्रैक्ट लिया उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट वन के साथ मिक्स कर लेंगे। वॉल्यूम एडजस्टेड विद द वाटर या जो भी सॉल्वेंट आपने यूज किया उसको लेंगे और 14 डेज के लिए रखेंगे, फिर देन फिल्टर करेंगे। अब हमें मिलेगा एक्सट्रैक्शन यानी कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ क्वासिया और लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ सेना हम लोग ट्रिपल मैसरेशन के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। अब बात करेंगे डिकॉक्शन की। अगर आप डिकॉक्शन देखें तो वाटर सॉल्युबल और हीट स्टेबल कंपोनेंट के लिए है, जैसा कि मैसुरेशन देखा था कि ये हीट स्टेबल कंपोनेंट के लिए नहीं था, थर्मोलेबल कंपोनेंट के लिए था, यानी जो हीट सेंसिटिव होते हैं। और हीट स्टेबल कंपोनेंट का मतलब होता है जो हीट की प्रेजेंस में खराब ना हो, जैसे टी लीफ हीट स्टेबल कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पे हार्ड और वुडी क्रूड ड्रग्स होते हैं, जो अर्जुन बार्क हम लोग सब ज्यादा हम लोग अर्जुन बार्क देखें कार्डियोटॉनिक के रूप में यूज किया जाता है, तो उसका हम लोग डिकॉक्शन प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे वाटर एज ए मेंस्ट्रम यूज किया जाता है, ड्रग को स्मॉल पीसेस में कट किया जाता है। ये साइज रिडक्शन में मैंने बताया था कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा जिससे ड्रग का पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाएगा और सॉलिबिलिटी। हम ड्रग को बॉयल करेंगे यानी हीट प्रोवाइड करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और जब वो 10 से 15 मिनट के बाद बॉयल्ड हो जाएगा फिर इसको फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद इसका वॉल्यूम आप मेकअप करेंगे। ये जस्ट लाइक टी, अगर आप देखें कि टी जो होता है कि आप जो हम लोग घर में टी प्रिपेयर करते हैं वो अगर आप देखें टी जो हम लोग बनाते हैं वो सिंपल डिकॉक्शन के प्रोसेस के थ्रू होता है। हम लोग वाटर लेते हैं उसमें टी लीव डालते हैं उसको बॉयल करते हैं और फिल्टर कर देते हैं, तो ये डिकॉक्शन उसी सिस्टम का प्रोसेस है आपका। अब बात करेंगे डाइजेशन की। अगर आप देखें तो डाइजेशन मॉडिफाइड है मैसरेशन की तरह से, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैसरेशन, ये मैसरेशन का मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड फॉर्म इसलिए कि एक्सट्रैक्टेड हीटिंग और प्रेशर हम लोग यहाँ दोनों यूज कर रहे हैं, और हीटिंग और प्रेशर ये दोनों पेनिट्रेशन और सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करेगा, सॉल्वेंट पेनिट्रेट जल्दी करेगा और सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे हमारा एक्सट्रैक्शन रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सट्रैक्शन रेट डिपेंड ही करेगा सॉलिबिलिटी एंड डिफ्यूजिबिलिटी पे। तो इट विल इंक्रीज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द मेंस्ट्रम एंड कंप्लीट एक्सट्रैक्शन होगा। इसके लिए हम लोग जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं उसका नाम है डाइजेस्टर, जो कि मेटल का बना होता है। तो ये था एक्सट्रैक्शन के बारे में, और डाइजेशन और डिकॉक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस मेल पे लिख सकते हैं dkpharmacylectures@gmail.com, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। और थैंक यू वेरी मच।